हर हर महादेव क्या हाल चाल बच्चों कैसे हो आप लोग आई होप यू आर डूइंग वेल और आज तो कह सकता हूं मैं इट वॉज सो ब्यूटिफुल इट वॉज सो एलिगेंट एंड सर 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 मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वॉज जस्ट लुकिंग कैसा रहा पेपर आज का बहुत शानदार पेपर था बहुत शानदार आई होप आपने सब कुछ वैसे ही किया होगा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था और सर जैसा कहा वैसा ही पेपर आया है पूरे के पूरे क्लास से रेगुलर बैच से पूरे के पूरे स्पेशली आई एस या एस हो सिर्फ सात या आठ नंबर के क्वेश्चन सेवन या एट नंबर के क्वेश्चन आउट ऑफ मैंने देखे हैं, जो मेरी लिस्ट से नहीं था बाकी सारा जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स रेगुलर में जैसा कराया इन लाइन फास्ट्रैकर स्टडी पैटर्न इन लाइन विथ आर राइटिंग पैटर्न इन लाइन विथ आर टेस्ट सीरीज एंड मॉडल टेस्ट पेपर सब कुछ वैसा ही था आई होप कि आपने बहुत कलम तोड़ लिखा होगा तीन घंटे अगर लिख दिया है तो बाजी तुम्हारी है ठीक हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं एंड यू आर द बाजीगर फॉर टुडे कोई भी क्वेश्चन उठा लो जस्ट मैं क्विक रिव्यू देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन उठा लो ठीक है आईटी कंट्रोल्स मैंने बोले थे वाउचर मैंने नहीं बोला था टू बी ऑनेस्ट नहीं बोला था आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बोला था मैंने थ्री ऑडिट टूल्स विच आर यूज इन आई ऑडिट ठीक है फ्लो चार्ट का सर सिंपल सा था कि फोर स्टेप्स बहुत ही सिंपल ये मैंने नहीं बोला था सर लेकिन ये हर बच्चे ने लिखा होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर ईआरपी ऑडिट यस वी हैड डिस्कस्ट ये मैंने बोला था सर benefits of data warehouse, yes, सर बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस यस अपनी लिस्ट में था ईआरएम ERM के बेनिफिट्स जितने बड़े क्वेश्चन है स्पेशली जो बड़े क्वेश्चन जिनको आप बोलते हो मतलब छह नंबर चार नंबर वो सारे अपनी लिस्ट से थे तो ई की बात करूंगा तो सिर्फ पांच या चार नंबर का क्वेश्चन छोड़ के सारा अपने लिस्ट से था यस आई एक्ट के बेनिफिट्स अपॉइंट आई एस ऑडिटर ब्लाबला मॉर्गेज लोन वाला क्वेश्चन अगेन इसके रिस्क एंड कंट्रोल ये भी था गुड गुड क्वेश्चन पेपर अ वेरी गुड क्वेश्चन पेपर थैंक यू सी आई यही लाइब्रेरी इसके साथ पेमेंट गेटवे भी बोला था बट डिजिटल लाइब्रेरी आ गई तो सर ये क्वेश्चन पूरा आपके कंट्रोल में था उसके बाद सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जिसमें तीन सब क्वेश्चन थे मैं उन तीनों सब क्वेश्चन पे आ जाता हूं स्ट्रेटजिक लेवल ये नहीं बोला था तो एक नंबर आप कह सकते हो मैंने स्ट्रेटजिक लेवल को इस बार मना किया था लेकिन सर ये सारे बच्चों को पता होता है कॉर्पोरेट लेवल इस पर कई एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराए थे बस एक एमसीक्यू के बराबर ये क्वेश्चन था ये पहला या दूसरा एमसीक्यू है जो एमसीक्यू प्रैक्टिस में हमारे सिलेबस में था यस सर लिमिटेशन बोला था मैंने सर बेनिफिट्स ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव बोला था सर आपको आपको कराया भी था स्पेशली कल के सेशन में पहला क्वेश्चन यही कराया था माइकल पोटर फाइव फोर्सेस क्या बात है सर कहने ही क्या है सर बिल्कुल बीपीआर इंप्लीमेंटेशन सर बिल्कुल कहने ही क्या है सर सर इतने अच्छा तो क्या ही हो सकता है मतलब एवरीथिंग अभी मेरे पास स्कैटर्ड है जरा क्वेश्चन पेपर सबर रखना तो मैं आपको दिखा सकता हूं ओके सर थोड़ा पीछे चले एक सेकेंड सर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर यस 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 ये हो गया था आ जाना यार तू क्यों भाग रहा है ऐसे प्लीज सपोर्ट सपोर्ट कर भाई अभी यस yes, ये हो गया ना हाँ नहीं ये नहीं हुआ माइकल पॉटर यस सर हो गया बीपीआर हो गया ठीक है ठीक ही तो गया था नेक्स्ट पेज पे आते हैं बॉस क्वेश्चन नंबर एट का ए एंड बी बोलो भाई स्ट्रेटजिक फाइव प्रोमिनेंट एरिया वेयर दिशा कैन प्ले आर रोल स्ट्रेटजिक रोल्स ऑफ एच आर मैनेजर ठीक है एच आर मैनेजर के रोल्स सर डन है सर उसके बाद सर मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या बात है सर बहुत इंपॉर्टेंट था सर आया है सर रिविजन भी किया था बॉस एंड रोल ऑफ रोहन इन द कंपनी ये सर ये आर एन डी डिपार्टमेंट में ये भी क्वेश्चन किया था सर हमने विच स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड बाई रीडिफाइनिंग द बिजनेस बिजनेस रीडिफाइन करने पे कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती है ये भी किया था सर मेजर रीजन फॉर अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी ये भी किया था स्पेशली ये वाला तो क्वेश्चन जरूर ही किया था हमने एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर जो ऑप्शनल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टेन का पहला क्वेश्चन देख लो फाइव मार्क्स का जो था कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप सर इस पे तो प्रैक्टिकल भी आपको करके ही दिखाया था सेम क्वेश्चन किया था अलायंस मैंने नहीं बोला था स्ट्रेटेजिक अलायंस मैंने नहीं बोला था तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन फाइव मार्क्स का जो मैंने नहीं बोला था लेकिन इसमें और में जो क्वेश्चन है वो बोला था तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं जैसा कहा वैसा पेपर आया एक सिंपल इजी इंटरेस्टिंग स्कोरिंग एंड जस्ट लाइक अ वाओ क्या बात है मतलब ये सो गुड सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट एंड जस्ट लाइक टाइप का क्वेश्चन आया था आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट बेस्ट फॉर योर एफ एम ई को पेपर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू आर गोइंग टू सजेस्ट योर फ्रेंड्स स्टूडेंट अदर योर कलीग्स योर जूनियर फॉर माई एफ एम एस एम क्लासेस इफ यू हैव ट्रस्ट रियलीफ यू हैव बिल्ड दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट यू हैव फेथ प्लीज रेकमेंड स्टूडेंट्स बिकॉज मेरे को आज मेरी टीम ने बोला था कि आप बच्चों को जरूर कहेंगे कि वो आपको रेकमेंड करें आपके एफ के लिए क्योंकि आप बोलते नहीं हो तो सर आज मैं आपको बोल रहा हूं अगर रियली really मेरे एफर्ट्स ने मेरे सर्विसेस ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने मेरी रेगुलर क्लास ने मेरे फास्ट ट्रैक क्लास ने क्रैश कोर्स uh, ने यूट्यूब कोर्स ने एफ एम एस एम एप के ऊपर एफ एम एस एम विद ओम एप जो पॉपुलर ऐप है आज की डेट में लगभग लगभग सेवेंटी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स आर देयर अगर हमने आपको डिफरेंट टाइप से सर्विस दिया और आपको आपके मार्क्स स्कोर करने में सपोर्ट किया है तो बेस्ड ऑन द क्वालिटी आई हैव ऑल द गर्ल्स टू आस्क यू टुडे समथिंग मैम आपसे ये मांग कर सकता हूं कि आप प्लीज अपने दोस्तों को रेकमेंड करेंगे ठीक है आगे भी इस ट्रस्ट को मैं मेंटेन रखूंगा प्राण जाए पर वचन न जाए अपनी मतलब फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी है, है रामायण में लिखा है प्राण रघुकुल चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई आज मैं इस बात को बिल्कुल आज तो मैं भगवान से यही मना रहा था कि बस पेपर अच्छा हो ठीक है और तब से मैंने कुछ नहीं किया है पिछले तीन घंटे से मैं बैठ के चुपचाप शांत बैठा था एक कमरे में बिना किसी इधर उधर की बात की हुई ये पेपर बहुत अच्छा था अब तक की हिस्ट्री में जब तक मैंने ए आपको पढ़ाया जितने भी पेपर आए चाहे वो टफ आए या इजी आए अपने कंट्रोल में थे अपने कंट्रोल से बाहर जाने नहीं दिया उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है रात दिन एक करना पड़ता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए कॉपी पेस्ट नहीं करना होता उसके लिए आपको ओरिजिनल होना होता है और आपसे ज्यादा मुझे कौन जानता है सो गाइज आई रिक्वेस्ट एंड आई द हक ऑन यू बी द ब्रांड ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ ओ टी सी अगर आपको रियली really हमसे बेनिफिट हुआ है To be my brand ambassador. Each one of you are my brand ambassador. I appoint you as my brand ambassador. Yes, your fees will be that in future also, in final also. I'm going to announce very soon I will be serving you for another years and years based on your support. I seek your support. I need your support. So recommend FMSM to your juniors. Wish you all the best. It was really a wow paper. It was just looking like a wow paper. वेरी गुड पेपर एंड यू विल स्कोर लाइक एनी इफ यू रिटर्न एज पर माय एडवाइसेस कैसे लिखना है मार्किंग करनी है अंडरलाइन और स्पेशली मार्किंग स्कीम को अगर आपने फॉलो किया है तो आप जरूर क्रैक करने वाले हो ऑल द बेस्ट आज आपका वक्त नहीं लूंगा आप एफएमएसएम की तैयारी में जोर जोर से पूरे ताकत से लग जाओ तेरे जैसा यार कहा तेरे जैसा यार ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना ऑल द बेस्ट बाय